नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नांगलोई, सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। ऐसे में पहले मेट्रो स्टेशन बंद किया गया था और अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन और प्रदर्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, ऐसे में कोई असामाजिक तत्व गलत मैसेज फॉरवर्ड ना करे, जिसके चलते यहाँ पर सावधानी बरती गई है और रात 12 बजे तक इन तीन जगहों पर इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद करने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। रात 12 बजे के बाद ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जो समय सीमा है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसे में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और नांगलोई पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व गलत मैसेज फॉरवर्ड ना करे, सावधानी बरती गई है और ऐसे में ये अब रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बिल्कुल ठप हो चुकी है। रात 12 बजे के बाद हो सकता है कि इसकी जो समय सीमा है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शनकारी उग्र होते गए और ऐसे में फरीदाबाद से भी तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर अभी लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को खदेड़ने का काम यहाँ पर पुलिस कर रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, जिसके चलते पहले मेट्रो बंद की गई है और अब इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। नगरपालिका फर्रुखाबाद की ओर से समस्त नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा समय से बाहर फेंकें, नालियों में गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, कोविड-19 का पालन करें, नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें।